साथियों नमस्कार, मैं संदीप यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेटा नॉलेज क्लब में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आज तक आपने हमारे चैनल की कोई भी वीडियो ना देखी हो तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उन सभी वीडियोज का भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके, जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो दोस्तों, मैं आप सभी से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, प्रोसेस ऑफ रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे UGC NTA नेट के लगभग हर एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन जरूर कैरी करता है। और दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं, रिसर्च प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मिशन JRF को पूरा करने के लिए। दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर स्कीम ऑफ स्टडी का जिक्र किया था। स्कीम ऑफ स्टडी माना हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। स्कीम ऑफ स्टडी माना साइंटिफिक स्टडी। दोस्तों, अगर आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले हमारी वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को भी छुआ है। और अगर हम वो आस्पेक्ट नजरअंदाज करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशनल स्टडी फॉर JRF एग्जाम तो दोस्तों हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो चीजें नजरअंदाज कर दी जाएं तो इसका खामियाजा हमें हमारे JRF के रिजल्ट में भुगतना पड़े। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रोसेस, या हम कहें एन ओवरव्यू टू द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। दोस्तों, मैं बता दूं कि रिसर्च प्रोसेस इज मेड ऑफ 8 स्टेप्स और इन सभी 8 रिसर्च स्टेप में बहुत से सब टॉपिक्स होते हैं जिनको हम एक एक करके अपने आने वाली वीडियोस में शामिल करेंगे। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित 8 टॉपिक होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रोसेस में। रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन या रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन होती है। उसके बाद रिसर्च के डिजाइन पर विचार किया जाता है तथा 3rd स्टेप में यह निर्धारित किया जाता है कि हमें रिसर्च कंडक्ट करने के लिए डाटा कलेक्शन के कौन से मेथड का सहारा लेना है। तो दोस्तों, जब ये डिसाइड हो जाता है कि डाटा कलेक्शन का कौन सा मेथड रहेगा, तो डाटा कलेक्शन की विधि के निर्धारण के बाद हमें सैंपल यानी नमूने से संबंधित कुछ सवालों के जवाब खोजने होते हैं। इसके बाद हम अपना रिसर्च प्रपोजल यानी रिसर्च ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जब हम सब कुछ निर्धारित कर लेते हैं तो रिसर्च करने के लिए हमें डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, वो भी पूर्व निर्धारित विधि द्वारा। डाटा कलेक्ट करने के बाद पूर्व निर्धारित एनालिसिस किए जाते हैं ताकि उस डाटा को एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन में बदला जा सके तथा जिस भी पर्पस के लिए रिसर्च की जा रही है उसके लिए रिसर्च रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं रिसर्च प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम का सूत्रीकरण, मतलब जिस भी टॉपिक या समस्या का समाधान के लिए रिसर्च की जा रही है उस प्रॉब्लम का क्लैरिटी और प्रिसाइजली डिफाइन करना। क्योंकि प्रॉब्लम फ्रंट में हम जितना स्पष्ट और सटीक रहेंगे उतना ही अपने आने वाले स्टेप्स भी बेहतर होंगे और उच्च कोटि के परिणाम देने के लिए भी ये सार्थक होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी रिसर्च के आगे आने वाले स्टेप्स जैसे स्टडी डिजाइन, सैंपलिंग या रिपोर्ट राइटिंग बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे ड्राफ्ट करते हैं या उसको कैसे डिफाइन करते हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी समस्या का इवैल्यूएशन करें और बेसिकली समस्या का इवैल्यूएशन हम 3 आधार पर करते हैं। पहला है समय, दूसरा है मॉनिटरी रिसोर्सेज अवेलेबल और तीसरा है एक्सपर्ट सुपरवाइजर की उपलब्धता। तो इन 3 आधार पर हम अपनी समस्या का इवैल्यूएशन करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप रिसर्च प्रोसेस का होता है रिसर्च डिजाइन का ब्लूप्रिंट, या ये कहें कि रिसर्च प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुसंधान या रिसर्च डिजाइन का मुख्य उद्देश्य यह बताना होता है कि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का समाधान कैसे करेंगे, और रिसर्च डिजाइन निर्धारित करता है कि रिसर्च को करने में कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह रिजल्ट और फाइंडिंग को मापने की विधियों का निर्धारण भी रिसर्च डिजाइन में किया जाता है। इसके अलावा सैंपलिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सैंपलिंग पॉलिसी कैसी होगी तथा डाटा कलेक्टेड जो है उसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा। दोस्तों, एक उपयुक्त या एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अगर हमने एक अच्छा रिसर्च डिजाइन तैयार कर लिया है तो ये हमें उपयुक्त और बेहतर रिजल्ट देते हैं और रिसर्च से प्राप्त फाइंडिंग और कंक्लूजन भी ज्यादा स्टेबल और वैलिड होते हैं। रिसर्च प्रोसेस में 3rd स्टेप डाटा कलेक्शन के लिए एक उपयुक्त
या परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट तैयार करना होता है, या ये कहें कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। दोस्तों पहले समझते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो हमारी रिसर्च को करने के लिए डाटा की जरूरत होती है और उस डाटा को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए हम जिन जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जिन जिन रिसोर्सिस का यूज करते हैं, उसी को हम रिसर्च टूल कहते हैं या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे डाटा कलेक्शन के लिए यूज किया गया इंटरव्यू, शेड्यूल्स, क्वेश्चनेयर्स, फील्ड ऑब्जर्वेशन, फील्ड डायरीज इत्यादि। एक सही रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का चयन इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे अगर वो सही नहीं होगी तो उससे निकाले गए परिणाम भी गलत होंगे। तो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का चयन हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिसर्च प्रोसेस का फोर्थ स्टेप है सैंपल का सिलेक्शन या चयन करना। समझने की बात यह है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग की एक्यूरेसी इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने सैंपल का चयन किस प्रकार कर रहे हैं। सैंपल का चयन हमें इस प्रकार करना चाहिए कि हमारे सैंपल के ये दो गोल अचीव हो जाएं। पहला, हम किसी भी तरह की बायसनेस से बचें वाइल सेलेक्टिंग द सैंपल। दूसरा, अचीविंग हाई प्रिसिशन इन सेलेक्टिंग ए सैंपल दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप। तो दोस्तों सैंपल ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें से कुछ ही मदों को रिप्रेजेंट करें। सैंपलिंग तीन तरह की होती है। पहला है रेंडम या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा है नॉन रेंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तीसरा है मिक्स्ड अप्रोच। दोस्तों एक बात समझ लो, सैंपलिंग साइज जितना बड़ा होगा रिजल्ट्स या कहें रिसर्च के रिजल्ट उतने ही करेक्ट आएंगे क्योंकि वो सैंपल पूरे यूनिवर्स या कहें पूरी पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इसलिए उनसे आने वाले रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। रिसर्च प्रोसेस में पांचवा स्टेप है रिसर्च प्रपोजल तैयार करना। जब आपने अपने सभी कार्य कर लिए हैं तो अगला कदम है कि आप अपने सभी कार्यों को एक साथ प्रेजेंट करें जो आपके सुपरवाइजर को आपके कार्य के विषय में पूरी जानकारी देगा। ये ओवरऑल प्लान ही रिसर्च प्रपोजल कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्य संबंधी योजना बनाना होता है जो हमारी सहायता करती है रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने में। रिसर्च प्रोसेस में निम्न को शामिल किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना, हाइपोथेसिस का निर्धारण करना, स्टडी डिजाइन तैयार करना, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का चयन करना, सैंपल साइज का निर्धारण करना, डाटा संस्करण की प्रक्रिया का सिलेक्शन करना, रिसर्च की समय अवधि या कहें कि टाइम फ्रेम को निर्धारित करना। रिसर्च का सिक्स स्टेप है डाटा कलेक्शन यानी डाटा एकत्रित करना। जब हम अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लेते हैं तो अगला कदम होता है कि हम डाटा को एकत्रित करें ताकि हम उस डाटा का संस्करण करके उस पर कुछ नतीजे निकाल सकें, माना उस डाटा का कुछ एनालिसिस करके उस पर कुछ नतीजे निकाल सकें। इस प्रक्रिया में हम अलग अलग डाटा कलेक्शन तकनीकों का प्रयोग करके डाटा कलेक्ट करते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं या कहें कि नैतिक मुद्दे या समस्याएं होती हैं उनको भी शामिल करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने सातवें स्टेप की तरफ। अनुसंधान प्रक्रिया का सातवां स्टेप होता है डाटा का संस्करण तथा प्रदर्शन यानी प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ डाटा। तो दोस्तों आप अपने डाटा का विश्लेषण तथा संश्लेषण किस प्रकार करते हो यह मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, जानकारी किस प्रकार की है, माना जानकारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, क्वालिटेटिव फॉर्म में है या क्वांटिटेटिव फॉर्म में है। और दूसरा है, उस विश्लेषित जानकारी को आप अपने श्रोता या रीडर को किस तरह पहुंचाना चाहते हो, मतलब जो आपने एनालिसिस किया है उस डाटा को आप अपने रीडर्स तक किस तरह पहुंचाना चाहते हो। इसमें हमें कुछ एक बातों का ध्यान करना चाहिए, जैसे हम अपने डाटा का विश्लेषण यानी एनालिसिस कैसे करेंगे, मतलब कंप्यूटर से करेंगे या मैन्युअली करेंगे, और किस किस प्रकार के एनालिसिस करेंगे ये बहुत जरूरी होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या टेबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे या किसी और स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों चलते हैं अपने आठवें और अंतिम स्टेप पर। यह आखिरी स्टेप है परंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। यह स्टेप है रिसर्च रिपोर्ट का लिखना। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्किल्ड वर्क है क्योंकि हम जिस प्रकार अपनी पूरी रिसर्च को लिखित रूप देंगे हमारी रिसर्च की क्वालिटी उसी लेवल की समझी जाएगी। रिसर्च रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। हालांकि ये डिफरेंशिएशन या कहें कि ये जो प्रतिकरण है ये रियल कम है और एकेडमिक ज्यादा है क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में दोनों तरह की ही जरूरत पड़ती है। किसी एक तरह की रिसर्च रिपोर्ट को हम लिखित रूप देके अपनी रिपोर्ट को बेहतर नहीं बना सकते। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट रिसर्च प्रोसेस।
इसमें हमने अनुसंधान प्रक्रिया के सभी 8 स्टेपों को अच्छे से समझाया है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं। तो दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, जैसे अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। काफी सारे स्टेप्स दे दिए जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि इनको अरेंज करें सीक्वेंस में। दूसरा है, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं है। माना आपको 4-5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि रिसर्च प्रोसेस के अंदर इनमें से कौन सा स्टेप नहीं आता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप क्या होंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और हर ऑप्शन के अंदर रिसर्च प्रोसेस पूरा का पूरा हर स्टेप के साथ लिखा हुआ होगा और उसमें से पूछा जाएगा कि सीक्वेंसिंग किस ऑप्शन की करेक्ट है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ रिसर्च। तो दोस्तों, ये थे रिसर्च प्रोसेस के सभी 8 स्टेप। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग मेक्स द नॉलेज इमॉर्टल। थैंक यू वेरी मच।